कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का हमला, कहा देश को बांटने वाले एजेंडे को खतरनाक तरीके से बढ़ा रही है कांग्रेस। जेटली ने कहा राहुल ने सेना और शहादत का अपमान किया है, देशद्रोह कानून हटाने की बात करने वाली कांग्रेस एक वोट की भी हकदार नहीं। जेटली का आरोप, कांग्रेस ने माओवादियों को बचाने के लिए सीआरपीसी में बदलाव का वादा किया, कांग्रेस सत्ता में आकर देशद्रोह को अपराध की श्रेणी से बाहर करना चाहती है। जेटली ने आरोप लगाया कि जिस प्रावधान को नेहरू, इंदिरा और मनमोहन सिंह ने नहीं हटाया, राहुल गांधी देश बांटने वाले ऐसे प्रावधान को हटाना चाहते हैं। देशद्रोह कानून और आफ्सपा खत्म करने के वादे को बीजेपी ने बताया सेना का अपमान, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोले कांग्रेस जवानों का मनोबल खत्म करना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने देशद्रोह कानून और आफ्सपा खत्म करने का वादा किया, कहा 124A का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे खत्म किया जाएगा। घोषणा पत्र में कांग्रेस का वादा, खाली पड़े 22 लाख सरकारी पद मार्च 2020 तक भरेंगे, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को 150 दिन का किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बयान, कहा लोगों की उम्मीद और भविष्य से जुड़ा घोषणा पत्र जारी किया। पीएम पद की उम्मीदवारी पर बोले राहुल, देश करेगा फैसला, फिलहाल असली मुद्दा किसानों का है, रोजगार का है।